Dear students, question number 9th, property based question. What it says, the using properties of sets, show that A union A intersection B is A. मैं अगर इसी चीज को वेन डायग्राम से पहले ही समझा दूं, आप इसका मतलब पूरा समझ आएंगे क्या कहना चाह रहा कि ये एक सेट A है और ये B है. A इंटरसेक्शन B, ये वाला पार्ट आ गया. इसकी A के साथ यूनियन, A के साथ यूनियन मतलब ये पार्ट सारा आ गया, तो A पूरा सेट ठीक हुआ. मतलब इट इज क्लियर, इट इज एविडेंट, इट इज द राइट रिजल्ट. अब इसको प्रूव कैसे करना है, प्रॉपर्टीज यूज करके. अब क्लियर कर दिख रहा है ये प्लस है और ये मल्टीप्लाई है, तो पक्का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी मिलेगा. अब वो क्या करती है समझिएगा, अगर मैं इसके LHS को देखूं, A यूनियन A इंटरसेक्शन B, A ये इससे भी बढ़ेगा और इससे भी बढ़ेगा. A यूनियन A, ये वाला इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B. व्हाट इज A यूनियन A? A इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B, बोलो A इंटरसेक्शन B की A यूनियन B है इंटरसेक्शन A यूनियन B. हाँ जी, A इंटरसेक्शन A यूनियन B. देखना मेरे बच्चे, ये ऐसा है मेरे पास X प्लस Y इंटू Z. हाँ सॉरी यूनियन आ गया, थैंक यू जी. हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं यहां गलत कर दिया. ठीक है, अब A यूनियन B ये पूरा इसकी इंटरसेक्शन A के साथ, तो क्या रहेगा A. क्यों? As as A is subset of A यूनियन B, A A यूनियन B का सबसेट होता है, सो उनकी इंटरसेक्शन क्या होगी बोलो. A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल टू जो कि मेरा RHS. क्या बात समझ नहीं सकते? अब क्या इसका LHS, तो ये लिखा हुआ मेरे पास X into Y plus Z. तो क्या बना दो इसको X Y plus X Z. तो A intersection A union A intersection B. What is A intersection A? A union A intersection B. अब ध्यान से समझो, ये अगर मेरा वेन डायग्राम है, A इंटरसेक्शन B ये वाला पार्ट, उसकी यूनियन A के साथ सारा पार्ट क्या है, दिस इज इक्वल टू A व्हिच इज इक्वल टू. मुश्किल के सामने इजी करिए.